अस्सलाम वालेकुम विवर, विवर आज आपके सामने ना अपने बर्थ का मेन्यू मैंने बनाया है, वो मैं आपको बताती हूँ जी। एक हफ्ते का मेन्यू मैंने बनाया है इनके लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जी। इतवार के दिन जी मैं इनको डालती हूँ धनिया और पुदीना, इनकी फीड के अलावा जो है मैं इनका एक्स्ट्रा जो डालती हूँ मैं ये डाल रही हूँ जी। अच्छा जी, सोमवार के दिन मैं इनको डालती हूँ जी उबली हुई गंदम, ठीक हो गया गंदम। और फिर जी मंगल को मैं इनको डालती हूँ पालक और बंद गोभी। अच्छा जी, बुध के दिन मैं इनको डालती हूँ जी उबले हुए चावल, ये देखिए मैंने अभी चावल बना के रखे हैं इनके लिए बॉईल करके, ठीक हो गया। और जी जुमेरात को मैं इनको डालती हूँ डुब रोटी और अंडा जी मिक्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, जुम्मे के दिन मैं इनको डालती हूँ जी उबले हुए चने, ठीक हो गया। अच्छा जी, हफ्ते के दिन मैं इनको डालती हूँ जी फ्रूट में सेब वगैरह अमरूद हो गया या सेब जो भी फ्रूट मतलब जो अवेलेबल होता है वो मैं इनको डालती हूँ, ठीक हो गया। और ये जो फीड है फीड इनके आगे ना हर वक्त होती है जी, ये अपनी मर्ज़ी से खाती है जितनी मर्जी खाएँ। और जो चावल मैं डालती हूँ या उंगली कोई चीज़ डालती हूँ ना वो थोड़ी देर मतलब कि एक घंटा दो घंटा इनके सामने मैं रखती हूँ, ये खा लेते हैं जब फिर मैं उठा लेती हूँ जी, क्योंकि इसमें ना बैक्टीरिया पैदा हो जाता है गर्मी के दिन है और इसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। तो आप भी अगर डालें उबली हुई कोई चीज़ भी डालें तो ऐसा ही करें कि थोड़ी देर रखें, एक घंटा दो घंटा रखें और इन पर ध्यान रखें, जब ये खा लें पेट भर के खा लें फिर वो उठा लें बर्तन उठा लें और बर्तन को धोकर साफ करके खिलाते हैं, ठीक हो गया। फिर जो है फिर उनके सामने हर वक्त पड़ी रहनी चाहिए, वो भी अगर रात को भी अगर हो जाती है रात गुजर जाती है ना सुबह उठकर आप ये फिर निकालें, निकाल के इन्हें किसी बर्तन में डालें, बर्तन में इसे छान लें, ठीक है। उसमें से जो छिड़के वगैरह होंगे ना वो निकल जाएंगे, पीछे जो दाने हैं ना वो बढ़ जाएंगे, वो दोबारा बर्तन में डाल देंगे। और अगर आपने डालनी है एक्स्ट्रा तो ज़रूर डालें, बर्तन भरा रहे इनके सामने ताकि ये खाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और जी इनके अलावा ना अभी ये मुझे लग रहा है कि ये ऊपर वाले जो है ये अंडे देंगे क्योंकि ये अपने घोंसले में जाते हैं जी, और ये नीचे वाले हैं जो ये भी देंगे अंडे, ये भी अपने घोंसले में जाते हैं। और जी इसके अलावा मैंने मेन्यू जो सेट किया है इसके अलावा जी मैंने और क्या काम किया है ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। अच्छा जी, ये डंडियाँ जो मैंने लगाई हैं, अब पहले इनमें डंडियाँ नहीं लगी हुई थी, मैंने ये डंडियाँ लगाई हैं अपनी, ठीक है। अब ये बैठ जाते हैं, ये हो गया इनका मतलब है मुकम्मल साफ सुथरा जो है, सफाई का खास ख्याल रखती हूँ, रोज़ाना ट्रेन काल के साफ़ करती हूँ, बिल्कुल साफ़ करके फर्श वगैरह धोकर और स्प्रे वगैरह कर देती हूँ, कोई मतलब है कि चूंटी वगैरह कोई भी अंदर ना आए, इनको बिल्कुल साफ माहौल जाने साफ माहौल जो है ठीक हो गया। और ये कभी जो है इनको भी ऐसा यही मेरा मेन्यू है इनके लिए है अभी, चावल इनको भी रखती हैं, अभी थोड़े थोड़े खाए हैं नहीं, अभी सैड पर हो गए हैं थोड़े, हमें देख कर सैड पर हो गए हैं। और जी इसके अलावा मैंने और क्या काम किया है जी जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी, जो मैंने ये बड़े पिंजरे में से जालियाँ निकाली थी जिनके साइड पर ना कमरे साइड पर सैटर बने हुए थे, वो जालियाँ मैंने निकाल ली थी और उनको मैंने जोड़ कर तो इस पिंजरे में बड़े पिंजरे में लगा दिए हैं। इधर फट्टे लगाए हुए थे पहले, ये मैंने फट्टे निकाल दिए हैं और मैंने ये लगा दिए हैं जालियाँ लगा दी हैं जी, क्योंकि अब जो है ना फट्टे जो है वो गंदे हो जाते थे बीठे वगैरह करते थे, तो अभी ये होता है कि नीचे कर इनकी पोटी वगैरह नीचे चली जाती है, मैं फर्श को धो देती हूँ रोज़ाना जी। ये हो गया इनका मेन्यू जी। आप क्या डालते हैं अपने बर्ड्स को वो भी आप मेरे साथ शेयर करें, मुझे कमेंट में बताएं, और अगर मैंने कोई चीज़ और डालनी है वो भी आप मुझे बताएं कि मैंने और क्या डालूं जी। मेरा तो एक हफ्ते का मेन्यू है ना, ये मैंने जो मेन्यू सेट किया है ये तो मेरा यही है, अगर इनके लिए और कोई चीज़ बेहतर है तो वो आप मेरी रहनुमाई करें, मुझे बताएं कि आप ये चीज़ डालेंगे इनको तो मैं कोशिश करूँगी मैं वो भी इनको डालूँ, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके अलावा जी मेरा और क्या इरादा है जी, मेरा इरादा ये है कि मैं दोबारा कब जाऊँ बाज़ार पिंडी और मैं वो दूसरे वाले तोते लेकर आऊँगी, वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, वो भी मैंने लाने हैं। और बॉक्स जो है एक बच्चे मुझे कहा था कैंटी इनके लिए बॉक्स ना दूसरे होते हैं प्लाई दूसरे मतलब टेकी कर की लकड़ी के जो बने हुए थे या टाली की लकड़ी के, वो मैंने नहीं लाए अभी क्योंकि मैंने तो उधर से पता किया था, तो वो कहते हैं यही चलते हैं जी आप ले ये ले जाएं, मैं यही ले आई हूँ अभी, तो मैं ये एक्स्ट्रा ले आई हूँ अभी, तो मैं यही करूँगी, अगर ये ख़त्म हो जाते हैं थोड़े बहुत पुराने हो जाते हैं फिर मैं ये चेंज कर लूँगी नहीं ले आऊँगी। और बजरी हैं जो इनके लिए तो ये डोलियाँ ही हैं, ये तो डोलियों में ही रहेंगी जी, तो अल्लाह करे मेरे बर्ड जो हैं ये अंडे बच्चे दें, मेरे घर की रौनक बढ़ जाए,
तो मैं रोज़ाना आपके साथ शेयर करूँ जी। अच्छा जी, इसके अलावा जी बाकी ये है कि आज मौसम बड़ा प्यारा हो गया है, परिंदे बड़े खुश थे बारिश की वजह से ना, जो मौसम अच्छा हो गया है। हाँ जी, देखें जी चावल खा रहे हैं माशाल्लाह, कितने शौक से खा रहे हैं। अभी इनको ना मैं और चीज़ें भी जो भी मैं बनाती हूँ घर में, मैं बोले अगर करती हूँ कोई चीज़ तो मैं उनको लाजमी डालती हूँ। वैसे जो पक्का जो हफ्ते का मैंने मेन्यू बनाया ना, वो मैंने आपके पास भेज दिया है, ठीक है। तो वैसे मैं दिल कर रहा है कि मैं और दाने वगैरह ना मिक्स करके रखूँ, वो भी मैं इसको बॉयल करके डाला करूँ, लेकिन इसमें ना आप लोगों ने मेरी रहनमाई कर दी है, मुझे बताना है कमेंट में कि मैं इन्हें क्या क्या डालूँ, ठीक है। ये ना हो कि मैं इनको एक्स्ट्रा कोई और गुना दे दूँ और ये बीमार ना हो जाए, इस वजह से मुझे डर भी लगता है। तो ये हल्का फुल्का जो है ना, हल्की फुल्की गुना मैंने इनकी लिए रखी है, एक हफ्ते का मैंने मैंने जो बना दिया है वही है। इसके अलावा अगर मैं कोई फल लाती हूँ, फ्रूट लाती हूँ, अंगूर वगैरह, वो भी मैं डालती हूँ, लेकिन उसका ये ना पक्का नहीं, जब मैं लाती हूँ तब डालती हूँ। तो ये जो मेन्यू मैंने बनाया ये पक्का ही नहीं है, इनका हमेशा मतलब है कि एक दिन का जो है ना रोज़ की रूटीन से जो इनका चेंज हुआ है, तो वो मैं इन्हें डालती हूँ, चेंज करके डालती हूँ। एक जो फूड मैं बार बार नहीं डालती, रोज़ाना मैंने नया फूड डालती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर मैं वही कहती हूँ कि मुझे इतना पता नहीं है, ठीक है। तो घर में अगर और कोई फल आता है वो मैं डालती हूँ, तो आप मुझे बताएं कि आप पक्का अगर इनको ना फीड के अलावा अगर कोई और चीज़ डालनी है रोज़ाना, तो वो मुझे बताएं जो इनकी सेहत के लिए अच्छी हो, ठीक है, जो कमज़ोर ना हो, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी और जल्दी जल्दी ये अंडे बच्चे दें। तो आपने मुझे बताना है ये, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने तो ये बनाया है, आप मुझे बताएंगे कि मैं और क्या क्या करूँगी, ठीक हो गया। अभी ये खुश हो कि चावल खा रहे हैं, अच्छा जी, डब रोटी भी बड़े खुश होकर खाते हैं जी, और पालक और गोभी, ये भी इनकी अच्छी गुज़ा है जी, खुश होते हैं, बड़े खुश होकर खाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं और क्या करूँ, मेरा दिल करता है इनके सामने ना मैं चाय भी बना के रख दूँ, कप रखूँ, बिस्कुट दूँ इन्हें। अब जी मैंने बच्चों के बच्चों को पानी दिया है, अभी मैं इनको दे रही हूँ जी ब्रेड, खुश होकर खाते हैं जी। माशाल्लाह जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हैं, अभी मैंने इनको अंदर ही रखा हुआ है इधर ही, बाद में मैं इनके ना दो तीन दिनों में मैं इनकी बाहर इनकी जगह बनाऊंगी इनके रहने के लिए, क्योंकि ये बड़े हो रहे हैं और ये घर में ना फिर गंदगी भी डालते हैं ज़्यादा, अभी छोटे हैं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत छोटे हैं, बाद में मैंने इनकी जगह बनानी होगी, वो भी आपको बताऊँगी। अच्छा माशाल्लाह से खाते बहुत अच्छा है, कोई चीज़ भी देना हम कर जाते हैं जी। इनके लिए ये है कि कोई पाबंदी नहीं है, जो भी डालें चीज़ डालें, मुर्गों वाली या परिंदों वाली जो भी डालें खा जाते हैं आराम से, और बस पानी में बड़े खुश होते हैं, इनको पानी मिल जाए तो बस बंदा पानी दे के नतीजे आ गया, फिर जो उनको खाने पीने की कोई परवाह नहीं है, पानी में खुश रहते हैं। अभी मैं ना इन्हें बाहर भी लेके जाऊंगी, क्योंकि बाहर बारिश की वजह से ना थोड़ा बहुत कीचड़ वगैरह हुआ है, तो मैं चेक करूंगी इन्हें ये कीचड़ में कैसे कितने खुश होते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी। ये देखूँगी, ये देखूँगी, ये देखा, आज का मैच ना बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है जी, क्योंकि इंडिया तो फिलहाल हार गया है, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कोई बात नहीं, खेल में तो हार जीत है, कोई बात नहीं, हिम्मत करें फिर कोशिश करें, ठीक है। और आज जो हमारा मैच है अफगानिस्तान के साथ, ये बड़ा मज़ेदार होने वाला है व्यूअर, मैं इस पर भी व्लॉग बनाऊँगी और साथ साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। तो क्योंकि कई लोग जो होते हैं वो सफ़र में होते हैं, नहीं देख सकते, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये भी ना
आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं बड़े अच्छे के बाद फिर देखने लगी हूँ। जब का ना वर्ल्ड कप आ गए थे उसके बाद मैंने नहीं देखा, लेकिन अब मुझे फिर शौक हुआ है। मैंने कहा चलो देखती हूँ और अपने व्यूवर्स को भी बताती हूँ, इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ठीक है व्यूवर्स, आपने मुझे बताना है आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिएगा और वीडियो को लाइक करना है आप लोगों ने। तो ठीक है जी, शाम को जो है आपके साथ शेयर करूँगी।